हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस के चैप्टर में आज हम देखेंगे डाटाबेस स्कीमास एंड इंस्टेंसेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय अ स्कीमा? स्कीमा इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए डाटाबेस। जैसे कि हम जानते हैं डाटाबेस में 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है डाटाबेस का। सो हर लेवल पे एक स्कीमा होता है जो उस डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। सो एट ईच लेवल देयर इज 1 स्कीमा। क्लियर? सो स्कीमा जैसे आपको बता सकता है कि आपके रिकॉर्ड का नेम क्या है, उसका डाटा टाइप क्या है एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। सपोज हमारे पास एक स्कीमा ऐसे है ऑफ एम्प्लॉय डाटाबेस। सो स्कीमा से हमें क्या पता लग सकता है कि इसमें एम्प्लॉय नेम नाम का एक कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम है और एम्प्लॉय का मोबाइल एक कॉलम है। और हर कॉलम का डाटा टाइप, सपोज ये वेर कह रहा है दिस इज इंटीजर और नंबर एंड दिस इज आल्सो नंबर। सो नेम ऑफ द रिकॉर्ड लाइक ई नेम, ई आई डी एंड ई मोबाइल, डाटा टाइप ऑफ द रिकॉर्ड एंड सम कॉन्स्टेंट्स। जैसे इसमें कॉन्स्टेंट हो सकता है एक ई आई डी नॉट नल। सो दिस इज वन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स इन द डाटाबेस स्कीमा। वन मोर थिंग, स्कीमा डज नॉट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस टेबल्स और वेरियस फाइल्स। सो स्कीमा से आपको सिर्फ ओवरऑल स्ट्रक्चर पता लगता है, बट 2 अलग अलग फाइल्स के बीच का रिलेशनशिप के बारे में आपको पता नहीं लगता। सो ये आपको पता होना चाहिए, डजंट स्पेसिफाई रिलेशनशिप अमंग फाइल्स। So this is the schema, and at each level of the database architecture there is only 1 schema which describes the structure of database at that level. Now next is instance. Instance is the collection of information stored in the database at a particular moment of time. For example, agar hum isi database ko dekhte hain employee ke, और हम देखते हैं सपोज 1 जुलाई 1980 को एम्प्लॉय में 4 रिकॉर्ड्स थे एंड एम्प्लॉय टेबल में ही 4 जुलाई 1984 को 400 रिकॉर्ड्स थे। So this is 1 instance. इसका क्या मतलब है कि 1980 के इंस्टेंस में डाटाबेस में 4 रिकॉर्ड्स थे और 1984 के इंस्टेंस में डाटाबेस में 400 रिकॉर्ड्स थे। सो इंस्टेंस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे डाटाबेस में कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। इंस्टेंस आपका चेंज होता रहता है क्योंकि आपके डाटाबेस में कभी इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा या अपडेशन होगा। सो इंस्टेंस कीप्स ऑन चेंजिंग एट एवरी डिफरेंट इंस्टेंस देयर कैन बी डिफरेंट स्टेट ऑफ द डेटाबेस। नाउ नेक्स्ट इज सब स्कीमा। सब स्कीमा इज नथिंग बट इट इज द लोअर लेवल और द सब लेवल ऑफ द स्कीमा। फॉर एग्जाम्पल इसमें डेफिनेशन क्या कह रहे हैं, इट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और यूजर्स व्यू ऑफ द डेटा आइटम एंड रिकॉर्ड टाइप्स। सपोज आपका एम्प्लॉई एक डाटाबेस है, एक टेबल है, इस एम्प्लॉई टेबल को 2 यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, एक तो है प्रोग्रामर और एक है यूजर। प्रोग्रामर को सारी कॉलम्स की एक्सेस है और यूजर को सिर्फ 2 कॉलम का एक्सेस है। सो जो प्रोग्रामर का सब स्कीमा होगा उसमें सारे कॉलम्स आएंगे
और जो यूजर का सब स्कीमा होगा उसमें सिर्फ दो कॉलम आएंगे। तो इस यूजर के लिए जो दो कॉलम का एक सब स्कीमा होगा वो डिफरेंट होगा कंपेयर टू दिस प्रोग्रामर स्कीमा विच इज नोन एज सब स्कीमास, दैट इज सब पार्ट ऑफ द स्कीमा। सो दिस इज डेटाबेस स्कीमास एंड इंस्टेंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल्स ऑन डेटाबेस एंड अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स। थैंक यू।